Hello everyone, welcome to Pooh's Palette. I'm your chef Poonam Diwan. आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक. ये केक बिना अल्कोहल और बिना एग्स का बना है. ये रेसिपी मैं काफ़ी सालों से बना रही हूँ अपने घर पे और इससे बहुत ही बढ़िया मॉइस्ट एंड स्पॉन्जी केक बन के आता है. तो अगर आप भी इस तरह से मेरी हर मेजरमेंट को फॉलो करेंगे तो आपका केक भी इसी तरह से फ्लफी एंड मॉइस्ट बन के आएगा. रेसिपी बनाते हुए मैं आपको बीच बीच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूँगी जिससे कि आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा. तो इसलिए आप मेरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. तो आइए शुरू करते हैं हम प्लम केक बनाना. सबसे पहले हमें ड्राइड बेरीज एंड नट्स को इकट्ठा करना है. यहाँ मैं एक बाउल में 1/4 कप करेंट्स ले रही हूँ एंड 1/4 कप मैं इसमें क्रैनबेरीज भी ऐड करूँगी. हमने यहाँ पर 1/4 कप टूटी फ्रूटी डाली है और अब हम कुछ अंजीर लेंगे और उनको हम चॉप कर लेंगे इस तरीके से. 4-5 अंजीर काटने से हमारा 1/4 कप अंजीर बन जाएगी. बस अब आप 1/4 कप अंजीर लेके वो भी इन बेरीज में मिक्स कर लीजिए. इसके बाद आप 1/4 कप रेजिन्स लीजिए. यहाँ मैं कुछ डेट्स भी ले रही हूँ और डेट्स को भी हम इसी तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे. यहाँ पर ये सब आपके पास ऑप्शन रहेगी. आपके पास जो भी बेरीज अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब बेरीज डालनी है जो मैं डाल रही हूँ, पर हमारी टोटल क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पर बेरीज की ली है वो 1.5 कप्स है. अब हम एक पैन में 2/3 कप ऑरेंज जूस डालेंगे और उसमें साथ में हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल देंगे. हमें इस जूस में अपनी बेरीज को सोक करना है. हम यहाँ पर इंस्टेंट रेसिपी बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर जूस को हीट करेंगे और अपनी बेरीज को उसके अंदर अराउंड 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि हमारी बेरीज जल्दी से जूस एब्जॉर्ब कर ले और स्वेल अप हो जाए. ट्रेडिशनली प्लम केक बनाने के लिए बेरीज को महीनों पहले रम में सोक करके रख दिया जाता था, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टेंट काम करना चाहते हैं और हमें इसको अल्कोहल फ्री बनाना है तो इस मेथड से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो बस अब आप इसे 5 मिनट तक हल्की गैस पर पकने दीजिए और ये देखिए अब धीरे धीरे हमारी बेरीज काफ़ी स्वेल हो गई हैं और जूस कम होता जा रहा है. बस अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे इसी में पड़ा रहने दीजिए तो बाकी का जूस भी बेरीज सोक कर लेंगी. अब हम अपने बाकी के ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं. ये हमने यहाँ पे 1/4 कप कैश्यूज लिए हैं, इन्हें भी आप चॉप कर लीजिए. और इसके बाद आप ले लीजिए बादाम और बादाम को भी हमें उसी तरह से चॉप करना है. तो ये 1/4 कप हम बादाम भी एक बाउल में डाल लेंगे काजू के साथ और इसके बाद आप 1/4 कप चॉप्ड वॉलनट्स भी ले लीजिए. और इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ केन चेरीज ली हैं. अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं. ये इस तरह से हमने इनके पिट्स निकाल दिया है और इसे हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे. प्लम केक के लिए हमें आलमंड पाउडर चाहिए होगा जिसके लिए हमने थोड़े से आलमंड्स लेके मिक्सी में पीस लिए हैं. अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लेते हैं. ये मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है. अब आप एक यहाँ पर टिप मेरी फॉलो कीजिएगा. जो हमने काजू बादाम वाला मिक्सचर था इसमें हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे और इन काजू बादामों को इस मैदे में अच्छे से कोट कर देंगे. ऐसा करने से जब हम केक के अंदर हम अपने नट्स डालेंगे तो वो बॉटम पे सिंक नहीं करेंगे और वो पूरे केक में इवनली स्प्रेड रहेंगे. मैदे में आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 कप आलमंड पाउडर डाल दीजिए. इसमें हमें अराउंड 1/2 टीस्पून ऑरेंज जेस्ट भी डालनी है. उसके लिए आप एक ऑरेंज को हल्के हल्के से ग्रेट कर लीजिए. आपको ऑरेंज को काफ़ी लाइटली ग्रेट करना रहता है ताकि उसका वाइट पार्ट ग्रेट ना हो. ये जो लेमन जेस्ट निकली है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे. अब हमें इसमें कुछ स्पाइसेस डालनी है. हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 1/8 टीस्पून क्लोव पाउडर एंड 1/8 टीस्पून जिंजर पाउडर. बस अब आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक तरफ रख लीजिए.
अब हम एक दूसरे बाउल में अपने वेट इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करेंगे। यह हम यहाँ पर हाफ कप बटर लेंगे। ये बटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल एंड 3/4 कप ब्राउन शुगर। अब हमें इन सब चीज़ों को विस्कर से या हैंड ग्राइंडर की हेल्प से बीट करना है जब तक ये थोड़ा लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं है तो आप विस्कर से भी बहुत ईजीली इसको बीट कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी ही लाइट एंड फ्लफी हो जाता है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर 1 कप कर्ड ऐड करेंगे। ये हमने घर की बनी हुई फ्रेश दही लेनी है। दही डालने के बाद आप इसे हल्का सा ही हैंड ब्लेंडर से बीट करिएगा, अदरवाइज़ आप विस्कर से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कई बार दही थोड़ी फट सी जाती है। बस अब आप इस तरीके से थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब बारी आती है वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए। हम यहाँ पर मैदा जो है 2 बैचेस में डालेंगे एंड कट एंड फोल्ड मेथड से लाइटली हम इस मैदे को अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करेंगे। ऐसा करने से जो हमने एयर पहले बीटिंग के टाइम इनकॉर्पोरेट की थी अपने बैटर में वो निकलेगी नहीं। तो इस तरह से अब हम सेकेंड बैच भी मैदे का डाल देंगे और फिर से उसी मेथड से इसको पूरे आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी बैटर की ये कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें अपने काजू बादाम वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से इस बैटर में मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे मेथड हमें फिर से वही कट एंड फोल्ड यूज़ करना है और इसके साथ ही हमने जो अपने बेरीज को सोक करके रखा था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। हम थोड़ी सी बेरीज लास्ट के लिए बचा के रखेंगे अपने केक के ऊपर डालने के लिए। अराउंड 2 टेबलस्पून बेरीज मैंने बचा के रख ली हैं। इसमें हम साथ में हम जो चेरीज रखी थी वो भी मिक्स कर लेंगे। अब आप फिर से कट एंड फोल्ड मेथड से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारा बैटर तैयार है। अब हमें अपना केक टिन तैयार करके रखना है। मैंने 8 इंच डायमीटर का केक टिन लिया है। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर से इसे लाइन कर लीजिए, अदरवाइज़ आप A4 साइज़ की शीट्स लीजिए और उसको इसके साइज़ का काट के बॉटम पे लगा दीजिए और अच्छे से इस पे आप ऑयल लगा दीजिए। और साइड्स में भी हमें इस तरह से ऑयल लगाकर A4 साइज़ की शीट्स को लगाना है क्योंकि प्लम केक को हमें थोड़ा सा स्लो हीट पे पकाना होता है और टॉप पे ब्राउनिंग को बचाने के लिए हमें इसको इस तरह से थोड़े से ऊंचे पेपर लेके हम केक टिन को इस तरह से लाइन कर लेंगे। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो हमारा केक ईजिली बाहर आ जाएगा और दूसरा उसकी ब्राउनिंग जो है वो स्लोली होगी और हम अपने केक को ज़्यादा देर तक पका पाएंगे। बस अब आप इसमें अपना केक का बैटर डाल दीजिए। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक साइड पे है और अब आप ऊपर से आपने जो बेरीज बचा के रखी थी वो इस तरह से सारी स्प्रेड कर दीजिए। अब हम अपना केक बेक होने के लिए रखेंगे। हमने अपने ओवन को 160 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट किया हुआ है। बस अब आप इसे इस तरीके से ओवन में रख दीजिए। हमें इस केक को 1 आवर 15 मिनट्स के लिए बेक करना है। अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें टूथपिक जो है हमारी बिल्कुल क्लीन अप बाहर आ रही है, यानी कि हमारा केक अब अच्छे से पक चुका है और इसमें कितनी अच्छी ब्राउनिंग हुई है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट के बाद अब हम इसे डीमोल्ड कर सकते हैं। डीमोल्ड करने के लिए एक प्लेट को आप केक टिन पर रखिए और फिर उसे उल्टा कर दीजिए और इस तरह से टैप टैप करके आप अपने मोल्ड को खाली कर लीजिए। ये देखिए हमारा कितने आराम से केक बाहर आ गया है। बस अब आप ऊपर का इसका जो पेपर लगाया था वो भी हटा देंगे और अब एक दूसरी प्लेट को इसके ऊपर ढक के उसको वापस उल्टा कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया प्लम केक एकदम तैयार है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल एंड रिच प्लम केक बना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप भी जल्दी से अब इस केक को बनाना शुरू कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैरी क्रिसमस।